नवोदय टाइम्स की टीम ने बरसात के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों का जायजा लिया। नॉर्थ दिल्ली के इंटरलॉक इलाके की ये तस्वीरें बारिश के बाद की हैं। यहाँ पर जगह जगह कीचड़ की वजह से सड़कों से गुजरना लोगों के लिए दुभर हो चुका है। परेशानी बस यहीं खत्म नहीं हो जाती, पहले से जमा बरसाती पानी में मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। यहाँ की जगह, यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा रहता है, पानी भरा रहता है, मलेरिया, डेंगू, दुनिया भर की परेशानी है यहाँ पे। अब बरसात आती है, हमारे निकलने का रास्ता नहीं होता यहाँ से। जब नवोदय टाइम्स की टीम स्थानीय निगम पार्षद के पास पहुंची, तो उनका कुछ ये जवाब था। देखिए, शहजादा बाग और इंदर लोग क्या, पूरी दिल्ली में इस समय जल भराव की समस्या है। हम पिछले लगभग 3-3.5 सालों से, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सत्ता में आई है, नगर निगम में फंड की भारी कमी रही है, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग या मेंटेनेंस हम लोग कराते हैं, मगर जिस तरीके से सड़कें खराब हैं वो काफ़ी नहीं होता उसके लिए। दरअसल पार्षद कांग्रेस पार्टी से हैं और इलाके की सभी परेशानियों के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि दिल्ली की जनता इन परेशानियों के बीच जीने के लिए मजबूर है। दिल्ली से आरती पांडे के साथ मोहम्मद इरफान, नवोदय टाइम्स।